नमस्कार, डी फोकस देखने वाले तमाम दर्शकों का हिमांशु का नमस्कार। हम बोकारो स्टील सिटी में हर रोज कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। हम बोकारो स्टील सिटी के हर एक ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर बातें कहाँ हैं, कौन सी ऐसी बात है, उसके दोनों पक्ष को बताने का काम करते हैं। आज बोकारो स्टील सिटी में हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही चर्चाएं हैं, स्कूल नहीं तो फीस नहीं। अभी चंद दिनों पहले अभिभावक जितने भी थे उन्होंने उपायुक्त कार्यालय पर जाकर अपनी व्यथा सुनाई है। बोकारो के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि 9 तारीख तक इंतजार करें, कोई ना कोई हल निकलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अनिल गुप्ता सर हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं और जितने भी बोकारो स्टील सिटी के अभिभावक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना महामारी आया था, इसके बाद स्कूल जब खुलेगा तो किस तरीके से स्कूल खोलेंगे और क्या क्या चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाएगा? स्कूल कब खुलेंगे और कैसे खुलेंगे, ये पूरी तरह सरकार के निर्देशों और निर्णय पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग जो भी निर्देश इस संबंध में जारी करेगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। अच्छा सर, जो गार्जियन है उनमें चर्चाएं हैं, लोग हर रोज कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि जब स्कूल नहीं तो फीस कैसा। अभी लेकर चंद दिनों पहले तमाम अभिभावक उपायुक्त के पास गए थे, 9 तारीख का समय मिला है, बोकारो के विधायक ने कहा कुछ ना कुछ हल निकलेगा, तो क्या हल निकलने जा रहा है, क्या फीस माफ होगा? न सिर्फ बोकारो के स्तर पर बल्कि पूरे झारखंड के स्तर पर भी इस विषय पर विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्री और अभिभावकों के बीच में ये चर्चा हो रही है और अनेक अन्य राज्यों में भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। कुछ मामले कुछ राज्यों के हाईकोर्ट तक भी गए हैं। झारखंड में हमारे माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने भी एक पत्र स्कूलों को प्रेषित किया था कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए फीस माफ़ कर दी है। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि क्या ये स्कूल हमने बंद किया है या स्कूल प्रबंधन ने बंद किया? हमने तो स्कूल कभी बंद नहीं किया। ये स्कूल सरकार के निर्देश पर लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया। स्कूल ने कभी कोई नोटिस नहीं निकाला कि स्कूल बंद रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं आए, हमारे तरफ से तो स्कूल खुला हुआ। दूसरी बात कि जो हमारा वर्तमान भारत है और भारत के लोगों ने, भारत के युवाओं ने विश्व के स्तर पर आईटी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं राष्ट्र के लिए, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो स्कूल के शिक्षकों का है। वो स्कूल शिक्षक प्राइवेट स्कूल के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षकों का कंट्रीब्यूशन देश को इस पोजिशन तक ले जाने में सबसे अधिक है और इसके लिए समाज को और सरकार को और अभिभावकों को शिक्षकों का ऋणी होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का निर्णय जो सरकार ने लिया अप्रत्याशित कोरोना के कारण, उसके कारण जो अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई देश में, उसमें हर
व्यवसाय को, हर प्रोफेशन को बहुत बड़ी तरह से प्रभावित किया। लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर ने अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल सबसे पहले ढाला और 22-23 मार्च को लॉकडाउन घोषित हुआ और सिर्फ 10 दिन के बाद 3 अप्रैल से 5 अप्रैल से स्कूलों ने अपना ऑनलाइन क्लास करना शुरू कर दी। और ये 10 दिन के समय में, एक हफ्ते के समय में, 15 दिन के समय में स्कूलों ने अपने आप को बिल्कुल नए ढंग से, इनोवेटिव तरीके से अपने आप को ढाला, टेक्नोलॉजी सीखी, टीचर्स को ट्रेंड किया और परिस्थिति के अनुरूप ये बहुत तेजी से अपने आप को बदल के, और जो विकल्प दिया जा सकता था श्रेष्ठतम वो दिया। शायद इतनी तेजी से किसी विभाग ने, किसी संस्थान ने, किसी प्रोफेशन ने अपने आप को नहीं बदला जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। हिमांशु जी, वो प्रक्रिया दूसरे व्यवसाय भी अपना सकते थे। ऑनलाइन क्लास जैसे हम लोगों ने शुरू किया अचानक, दूसरे व्यवसाय भी जिनका व्यवसाय बंद थे वो ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करा सकते थे। सरकार के पास हमसे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत उनके पास आईटी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छा एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो नहीं शुरू कर सके, हमने शुरू किया। अच्छा, लोग कहते हैं, जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, वो पूछते हैं कि सरकार की हर एक बातें स्कूल प्रबंधन मानती है, जब भी सरकार कोई उनके हित के फैसले निकालती है। आज सरकार ने पहली बार कहा है कि फीस मत लो, तो तमाम स्कूल नहीं मानते हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो उनकी बातों को नहीं मानना। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि फीस नहीं लो। सरकार ने अपने पत्र में स्कूलों से कहा है कि आप फीस माफ कर दें। तो माफ कौन कर सकता है? जो सक्षम होगा, जिसके पास उतनी सामर्थ होगी वो माफ कर सकता है। हमसे बहुत ज्यादा सामर्थवान सरकार है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये लॉकडाउन हमने नहीं लागू किया है, स्कूल हमने नहीं बंद किया, सरकार ने बंद कराया है। तो सरकार को चाहिए कि वो अभिभावकों की मदद करे और जहाँ जरूरत है वहाँ स्कूल प्रबंधन की भी मदद करे, क्योंकि स्कूल प्रबंधन को भी मदद की आवश्यकता है। पिछले 4 महीने में अधिकतर स्कूलों की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। अभी चंद दिन पहले वित्त मंत्री आए थे बोकारो, उन्होंने भी यही बात कहा था कि आपने व्यथा सुनाई है, स्कूल के लोगों ने उनसे व्यथा सुनाई है कि हम शिक्षकों का फीस मासिक वेतन कैसे देंगे, उन्हें सैलरी कैसे देंगे। लेकिन वित्त मंत्री साहब ने एक बात और कहा कि फीस अगर आप लेते हैं मध्यस्थता, मतलब बीच का अगर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं स्कूल और सरकार, तो उसमें एक रास्ता उन्होंने बताया था कि अगर स्कूल फीस ले लेती है, अपना जो ट्यूशन फीस होता है वो आप अगर लेते हैं, तो जो डेवलपिंग चार्ज है, जिसे रीएडमिशन का नाम आपने बदल कर अब डेवलपिंग चार्ज रख दिया, तो उसे इस बार छोड़ दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान आने वाला है क्या? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मंत्री जी का कहना भी बिल्कुल सही था। ये आपदा सिर्फ समाज की एक वर्ग पर नहीं है, सब पर है और सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को भी इस आपदा में अपना रोल निभाना चाहिए और जहाँ किसी अभिभावक को, किसी विद्यार्थी को मदद की आवश्यकता है किसी भी तरह की, उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, तो स्कूल प्रबंधन को भी आगे आना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्कूल प्रबंधन भी कोई बहुत आर्थिक रूप से कमजोर संस्थान नहीं है, बहुत से स्कूलों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। जैसे कुछ अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वैसे कुछ स्कूलों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और उनको चाहिए कि वो भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने बजट के अनुसार विद्यार्थियों को सहयोग करें और ये इंश्योर करें कि जो बच्चा उनके यहाँ से उनके स्कूल में 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से पढ़ रहा था, आपदा की घड़ी में उसका हाथ वो छोड़े नहीं, उसका हाथ पकड़ कर रखें और उसको अपनी मंजिल तक जाने में एक संरक्षक की, एक अभिभावक की भूमिका निभाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षक बच्चों के
सेकेंड पेरेंट्स हैं, सेकेंड गार्जियन हैं। तो इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि हम अपनी सामर्थ्य भर किसी बच्चे की पढ़ाई रुकने में दें। ये मेरी दृष्टि से ये कन्फ्रंटेशन का विषय नहीं है कि अभिभावक मेरे आमने सामने है, प्रबंधन अलग आमने सामने है, सरकार अलग आमने सामने है। हम सबको मिलकर परिस्थिति के अनुसार, और वो कोई जरूरी नहीं कि हर स्कूल के लिए एक ही निर्णय हो, हर विद्यार्थी के लिए एक ही निर्णय हो। किसी विद्यार्थी के अभिभावक संपन्न है तो हो सकता है उसको मदद की जरूरत नहीं भी हो, लेकिन किसी विद्यार्थी के अभिभावक एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जो बंद है 4 महीने से, तो उसको निश्चित रूप से मदद की जरूरत है, और उसकी मदद स्कूल को भी करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सरकार बोले स्कूल मदद करे, स्कूल बोले सरकार मदद करे, सबको मिलकर अभिभावकों को भी, स्कूल प्रबंधन को भी, सरकार को भी, और मैं तो ये कहूँगा समाज को भी उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि जो शिक्षण संस्थान है और गुरुकुल के समय से, उसका संचालन सिर्फ राज्य के संरक्षण से नहीं होता था, समाज के संरक्षण से होता था, और लोग शिक्षण संस्थान को मदद करना अपने लिए गौरव की बात समझते थे। आज वही परिस्थिति फिर है, समाज के हर संपन्न व्यक्ति को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े व्यापारियों को आगे आना चाहिए, और जहाँ स्कूल को मदद की संभावना है वहाँ स्कूल को मदद करें, जहाँ अभिभावक को सीधे मदद देने की संभावना है वैसे मदद करें। अच्छा, बोकारो स्टील सिटी में कुछ छोटे छोटे स्कूल हैं जिन्होंने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल जरूर छोटा है लेकिन फैसला बहुत बड़ा लिया है, 3-3 महीने का फीस उन्होंने माफ़ कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि बड़े जो संस्था हैं उन्हें भी इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए, 3 महीने नहीं तो कम से कम 1.5 महीने 2 महीने का ही फीस माफ़ करना चाहिए? फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ हिमांशु जी, कि हर बच्चे के लिए परिस्थिति अलग अलग है, हर अभिभावक के लिए परिस्थिति अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल डिसीजन हो कि सबको छोड़ दिया जाए, केस टू केस जिसको मदद की आवश्यकता है उसको मदद की जाए। जो अभिभावक मदद करने की स्थिति में है वो अभिभावक स्कूल की मदद करें, और मिल के हम ऐसा, जैसे कि हम लोगों ने समाज ने और सरकार ने मिल के ये तय किया कि कहीं भी हम भूख से किसी को मारने नहीं दें, भूखा नहीं रहने दें, वैसे ही हमको आज प्रण लेना चाहिए कि समाज, सरकार, स्कूल मिलकर किसी बच्चे की पढ़ाई डिसकंटिन्यू ना होने दें, छूट नहीं दें। मदद की आवश्यकता जहाँ है वहाँ हमको अपना दिल बड़ा करना चाहिए, अभिभावकों को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, सरकार को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और स्कूल प्रबंधन को तो अपना दिल बड़ा करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर जिम्मेवारी है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो जिम्मेवारी सरकार, वो जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन की है। अच्छा सर, सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन आया है जी आप लोगों को अभी? नहीं, वो पत्र आया था कि स्कूल फीस माफ़ कर दी, इसके अलावा और कोई गाइडलाइन नहीं आया है। पिछले 31 तारीख को मंत्री जी के साथ स्कूल प्रबंधन की बैठक हुई थी रांची उत्पाद भवन में, वहाँ भी मंत्री जी ने ही कहा है कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि सब कोई मिलकर ऐसा करें कि झारखंड के लिए एक अच्छा संदेश, झारखंड से एक अच्छा संदेश देश को जाए कि किस तरह झारखंड के लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान किस तरह होगा ये मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, ये कहना है क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अनिल गुप्ता सर का। साफ तौर पर गुप्ता सर ने कहा है कि बोकारो स्टील सिटी के अभिभावक परेशान ना हो, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में जितने भी स्कूल हैं उन्हें बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है, तो साथ ही साथ अभिभावकों को भी बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। अनिल गुप्ता सर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि स्कूल प्रबंधन को मदद के लिए आगे आना ही चाहिए, वैसे बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर प्रत्येक स्कूल में 2000 या 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ 200 या 100 ऐसे बच्चे भी हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो उनके लिए स्कूल प्रबंधन को आगे आना चाहिए, और वैसे अभिभावक को जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको आगे आके स्कूल की मदद करनी चाहिए, जो हमारे प्राचीन में जो हमारे समाज के लोग किया करते थे कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े डोनेशन के रूप में दिया करते थे। तो अभी डोनेशन नहीं, केवल स्कूल
फीस ही देकर स्कूल संस्था को आगे बढ़ाने की प्रयास करें। ऐसे ही हम हर रोज एक नए मुद्दे पे एक नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।